इसी बीच बड़ी और अहम खबर मिल रही है कानपुर से। आज 66वां गणतंत्र दिवस है और आज के दिन आपको बता दें कहीं ना कहीं जो शराब की बिक्री है वो अवैध रहती है, लेकिन कानपुर की जो तस्वीर सामने आ पा रही है, आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं, कानपुर में पुलिस और शराब माफियाओं की मिली भगत से इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सील दुकानों से शराब की बिक्री चालू है। हालांकि अभी सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन कानपुर में हमारे संवाददाता विकास वाजपेयी ने सील दुकानों से बिक रही शराब को पकड़ा है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीर है, जहां पर आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में इस पर्व को मना रहा है। और सबसे अहम बात कि आज के दिन कहीं ना कहीं जो शराब की बिक्री है वो अवैध रहती है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। इस खबर पे हमारे सहयोगी विकास वाजपेयी जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से सरकार ने जो ये बात कही थी शराब का जो कारोबार है अवैध शराब का, उस पर लगाम लगाने की बात सामने आई थी, और आज गणतंत्र दिवस के दिन ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल इस समय बड़ी ही विचित्र स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस, हम 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस अवसर पर ड्राई डे घोषित किया गया है सरकार की तरफ से। तो केवल कुछ पैसे कमाने के लिए शराब जो माफिया है और पुलिस है उसकी मिली भगत से शराब का कारोबार शहर में बिल्कुल अवैध रूप से चल रहा है। और अब जो दुकानें सील है, पहले सील नहीं होती थी, चाबियां जमा होती थी केवल, तो दुकानें सील की गई हैं, उसके बावजूद किस तरह से शराब बिक रही है शहर में खुलेआम, ये एक प्रश्नचिन्ह लगाता है कि जो सरकार अवैध शराब के कारोबार पर जो लगाम लगाने की बात कर रही है वो कितनी खोखली साबित होती है। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से जो तस्वीर सामने आई उससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो कहीं ना कहीं जो बात और जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धरातल पर धराशायी होती नजर आती है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का। विकास, आपने ये तस्वीर देखी, आप वहां पर मौके पर मौजूद थे, क्या पुलिस की भी मिलीभगत की बात इसमें सामने आ रही है? पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे क्या इस मसले पर कोई रोक लेने की कोशिश की आपने? देखिए, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, गणतंत्र दिवस की परेड के कारण सारे अधिकारी व्यस्त रहे हैं। और इसमें जो कानपुर का पटेल नगर क्षेत्र है वहां पर दुकानें खुली हुई थी, और शहर के दूसरे जो आउटस्कर्ट्स है उसमें बहुत दुकानें खुली हुई थी, तो वहां पर हम लोगों ने एक रेड का आयोजन किया हुआ था और जानकारी लेने की कोशिश की गई थी कि जो हम जिस गणतंत्र के गर्व की बात करते हैं वहां पर ड्राई डे घोषित करते हैं और सम्मान करने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ पैसे खर्च करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं। और बोली, इसमें केवल शराब की अवैध बिक्री नहीं हो रही है, शराब की चोरी छिपे बिक्री नहीं हो रही है, इसमें पैसे भी लोगों से ज्यादा लिए जा रहे हैं। जिस काम के 140 रुपए जिस चीज के होते हैं उसके 200 रुपए लिए गए हैं। और हमारे जो मैंने वहां पे उससे जानकारी लेने की कोशिश की कि पैसा किस लिए लिया जा रहा है, तो उसने कहा कि ये पैसे जो है ऊपर तक जाते हैं, ये पैसे मालिक को देने होते हैं। तो ये सारी जी बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत सामने आ रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको भी जो ये पैसे ज्यादा वसूले जाते हैं, दुकानदार वसूलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पैसा ऊपर तक जाता है अधिकारियों के पास। तो अधिकारियों की पूरी तरह से मिली भगत यहाँ पर सामने आ रही है। विकास, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सील दुकानों से ये अब शराब बिक्री लगातार चालू है, दुकानदार ने सील तोड़ के अपना शराब जो बेचने का है वो बिक्री लगातार जारी है, क्या इनके खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई हो पाएगी? अभी तक तो कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे पुलिस की संलिप्तता दिखाई देती है। कोई भी शराब की दुकान यदि ड्राई डे के दिन पे शराब बेची जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने दिखाई देती है, और पुलिस सामने से काम नहीं करती है। ये जरूर है कि पुलिस इसमें दूर खड़े होकर पैसे कमाई का काम करती है, और जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो शराब बेचते हैं, और बड़ा व्यापक तरीके से ये काम चल रहा है कानपुर शहर में। ये चीजें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से शराब की बिक्री दस्तूर जारी है,
कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और कार्रवाई की उम्मीद ऐसी लोगों से नहीं लगाई जा सकती है जो इसमें अभियान चलाया जा रहा है वह शराब के ऊपर, उसमें किस तरह से शराब बिक रही खुलेआम ड्राई डे के दिन। जी बिल्कुल विकास, गणतंत्र दिवस के सम्मान में ड्राई डे यानी शराब की बिक्री अवैध रहती है, इसके बावजूद भी शराब बिक्री हो रही है और हाल ही में अभी सरकार ने इसे अवैध शराब के खिलाफ लगाम लगाने की भी बात कही, तो आखिर वो कैसे सार्थक हो पाएगी अगर यही तस्वीर सामने रही तो? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सही बात है और जिस तरह से शराब बिक रही है शहर में, ड्राई डे का है जब दुकानें सील करने का आदेश होता है तब उस स्थितियों में सारी चीजें जो है बहुत असमंजस में डालती है कि आखिर शराब किस तरह से बेची जा रही है और केवल पैसे के लिए। इसमें ये भी हो सकता है कि शराब गलत तरीके से कहीं बनी हुई शराब वो भी बेची जा सकती है, इसमें लगाम लगाने की आवश्यकता थी लेकिन अभी तक कोई लगाम नहीं लगाया गया है और बदस्तूर ये काम अभी भी जारी है। हम एक एक दुकान पे सर्च करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कहाँ शराब बिक रही है और शराब क्यों बेची जा रही है, इसमें केवल केवल पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा है और जो गणतंत्र के प्रति हमारा सम्मान है उसको भी गिराने का काम ये शराब माफिया और पुलिस की मिलीभगत से बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल, एक तरफ तो सलामी ली जाती है और जिस तरह से सरकार ने भी ये बात कही कि जो शराब कारोबार है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाएगी, लेकिन जब आला अधिकारियों की मिलीभगत से ही वो क्या कहते हैं दावे भी कहीं ना कहीं जो सरकार ने बात कही उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है, आला अधिकारियों की लिप्तता पाई जा रही है पूरी तरह से, विकास क्या आला अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए इसमें तो संशय लग ही रहा है कि जिस तरह से ये काम हो रहा है ऐसा तो नहीं लगता है कि इसमें रोक लगाई जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि पुलिस का काम इस शराब को जो ड्राई डे है उसमें पूरी तरह से रोकने का होता है और चंद कदमों पर चौकी है पटेल नगर चौकी है वहां पे इस तरह की शराब की बिक्री चल रही है और दूसरे स्थानों पर भी चल रही है, तो ये बताता है कि पुलिस कितनी संजीदा है पूरे मामले में और किस तरह से वो कार्रवाई करने की सोचती है। और ड्राई डे के दिन पे इस तरह की जो हरकतें हैं शराब माफियाओं की और इससे गणतंत्र का जो सम्मान है उस पे ठेस पहुंचती है। जी बिल्कुल विकास, एक तरह से जो पुलिस का काम होता है वो कहीं ना कहीं रोकने का होता है कि अवैध शराब बेची जा रही है, दुकानदारों ने सील तोड़ दी है और वो धड़ल्ले से फिर भी बिक्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं उनको रोक लगानी चाहिए बावजूद उसमें सहयोग करने के, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरह से लिप्तता पाई जा रही है, आला अधिकारियों की मिलीभगत पाई जा रही है। क्या उनसे आपने बात की, कितना पैसा उन तक पहुंच पाता है और इस पूरे मसले को देखते हुए उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए सुनी, इसमें जब हम लोगों ने रेड की थी जानकारी लेने की कोशिश की थी कि शराब किस तरह से और कहाँ कहाँ बिक रही है, तो ये कोई बताने की स्थिति में नहीं था, सब घबराए हुए थे कि आखिर जो है ये जो धंधा पुलिस रोकती है और वो हम लोग जारी रखे हुए हैं तो ये कैसे खबर के न्यूज के पास में पहुंची है, और इसमें के न्यूज ने बहुत ही सक्रियता के साथ में काम किया है क्योंकि गणतंत्र के प्रति हमारी जो भावना है उसको ठेस तक पहुंचे, इसलिए ये ऐसा हमारा अभियान था कि हम लोग पता लगाए कि कहाँ कहाँ ड्राई डे के दिन शराब बिक रही है, और इसमें कोई भी अधिकारी अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अवैध शराब का और कारोबार, एक दूसरी चीज सोनी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो दुकानों की सील है वो न तोड़ के पीछे की तरफ से दुकानों में, कई दुकानें ऐसी हैं जो आगे से बंद है और पीछे से शराब की बिक्री हो रही, तो इस तरह का काम शहर में जारी है और ये एक बहुत ही गलत कार्य कहा जा सकता है गणतंत्र के अवसर पर। विकास, जिस तरह से आपने बताया कि आगे से तो दुकानें बंद है लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छिपे जो शराब बेचने का जो धंधा है, जो बिक्री है वो लगातार जारी है, लेकिन जब अधिकारी ही मिले हुए हैं तो कार्रवाई दुकानदारों के खिलाफ होने की तो दूर की बात है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर सरकार ने ये बात कही तो जरूर है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लग पाएगी, लेकिन अगर ऐसे ही ये धड़ल्ले से जारी रहा तो आखिर कब लगाम लग पाएगी? और सबसे अहम बात ये कि आज गणतंत्र दिवस है और यहां पर ड्राई डे होता है, यानी इसके बाद भी अवैध शराब लगातार इसकी बिक्री जारी है और कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? आला अधिकारियों की मिलीभगत में पाई जा रही है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो आला अधिकारियों की संलिप्तता पूरी तरह से है, मिलीभगत है, क्योंकि जो पैसा आता है, जो बिक्री हो रही है उसमें जो पैसा आता है वो ऊपर आला अधिकारियों तक पहुंचता है, जब आला अधिकारियों तक पैसा आता है कहीं ना कहीं तो वो कैसे इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी तो दूर की बात है लेकिन आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन वो कब तक हो पाएगी ये